2000 में किया है। और कैमल्स में एल का मतलब क्या होता है? कैमल्स में लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। चलो गुड, इतना भी याद रखा है, चलेगा, वेरी गुड। गिरीश पाटिल, यस सर, क्या पढ़ाया अभी तक? लेक्चर नहीं था, मैं लेक्चर नहीं था सर। नहीं नहीं, अभी तक क्या पढ़ा है वो मैं पूछ रहा हूँ। लास्ट लेक्चर थे, उससे पहले नहीं थे, वो छोड़ दो। अभी तक क्या पढ़ा है? टाइप लोन पोजीशन। टाइप लोन, हाँ, कौन सा टाइप का पढ़ाया मैंने? पांच टाइप थे ना सर। कौन सा लोन? सिक्योरिटी, मॉर्गेज। अरे दादा, वो टाइप लोन नहीं है, वो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लोन। दादा मेरे को भी काम कर, यहाँ खड़े हो जाए। फॉर्मल है ना, फॉर्मल लड़के जो ऑफिस से आने का, इतना बॉल अपना ना नजर में नहीं होगा, नजर में ऐसे मतलब। मंडे टू फ्राइडे भी खेलते थे वो, डेली भी इतना बैटिंग क्या। अरे वैभव को तो ऐसा सिक्स मार दी बैट है ना, ऐसा बॉल ऐसा। माइक ऑन करके कहाँ है वो, कौन था वो, बात विवाद कर रहे थे। चले, इतनी आसानी से मैं पढ़ाता नहीं हूँ। पहले मैं सुनता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपके जहन तक पहुंच रहा है कि नहीं, उसके बाद तो पढ़ाना और लिखाने का काम चलते रहता। चले शुरुआत करते हैं आपकी क्लास, ध्यान से सुने मैं किस कंसेप्ट को बताने की कोशिश करूंगा और कौन सा हमारा आज का टॉपिक होगा, फिर लिखने और लिखाने की बात से हम आज आएंगे। आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो बेसिकली कैपिटल मार्केट होगी, है ना। जैसे इंडियन फिनेंशियल मार्केट को हम क्या करते हैं, तो अलग अलग आपके टाइप में बांटते हैं। हम बोलते हैं इंडिया की जो फाइनेंस मार्केट है वो बेसिकली उसके तीन पिलर हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंडियन फिनेंशियल मार्केट, आरबीआई आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। फिर से बोलता हूँ, इंडिया की जो फिनेंशियल मार्केट है उसको रेगुलेट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आरबीआई नहीं है, है ना। इंडियन फिनेंशियल मार्केट ये तीन पिलर हैं, एक पिलर का नाम है मनी मार्केट, दूसरे पिलर का नाम है कैपिटल मार्केट और तीसरे पिलर का नाम है इंश्योरेंस मार्केट। तो ऑल ऑफ थ्री ऑल टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन इज अ रेगुलेटर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें एक आपकी आरबीआई है, दूसरी आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और तीसरी आपकी रेगुलेटरी ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो कहने का मतलब ये है कि मनी मार्केट हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मनी मार्केट कितने टाइप के होते हैं, क्या है आरबीआई, क्या उसकी फंक्शन है, या फिर कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी क्या है, चेक क्या है, डिमांड ड्राफ्ट क्या है, मतलब इन शॉर्ट मनी मार्केट के बारे में अभी तक हमने जाना है। हम आज कैपिटल मार्केट मतलब फिनेंशियल मार्केट के दूसरे पहलू पे खड़े हैं। कैपिटल मार्केट होता क्या है, कैपिटल मार्केट वो पहले आप जान लें। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली हम उस मार्केट को कहते हैं जो मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में डील करता है। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुने, वैसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म में डील करेगी, शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है द मैच्योरिटी मिनिमम और मैक्सिमम वन ईयर, उस मार्केट को हम बोलते हैं मनी मार्केट। लेकिन वैसी मार्केट जो मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में हम डील करते हैं उस मार्केट को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर पहली बात आपको यही जाननी है, द मार्केट विच डील्स इन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट का नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। आवाज आ रही है मेरी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से हम कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर को जानते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सेबी इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1988 में किया है, 1988 में हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया। लेकिन जब हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया उसी समय ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे अपने पावर के साथ काम करना चालू नहीं किया अंटिल अनलेस वी हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट। तो जिस वर्ष, जिस समय, जिस सदी में हमने इस सेबी को पावर दिए हैं वो पावर हमने 1992 में दिया है, दैट इज कॉल्ड constitutional empowerment of SEBI in the year 1992, but the establishment of SEBI is in the year 1988. आज के दिन में इस SEBI की जो हेडक्वार्टर है वो आपके शहर में है, मुंबई में है, और जो चीफ आपके SEBI के काम कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम है अजय
त्यागी। तो इतनी बात आपको बेसिक मैंने बताई है, कैपिटल मार्केट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म से भी उसकी क्या है, तो रेगुलेटर है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है, अजय त्यागी उसके चीफ है, और सेबी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है। दूसरी बात आप ये जाने, क्या कैपिटल मार्केट सिर्फ सेबी के अंदर चलता है, या फिर सेबी कौन कौन से चीजों को रेगुलेट करती है? तो फिर से बोलता हूँ, सेबी न सिर्फ कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, बल्कि सेबी इससे पहले की जो टॉपिक हमने पढ़ाई थी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, चाहे वो सिविल हो, केयर हो, इकरा हो, सेमड़ा हो, है ना, इन सबको जो इसको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इसकी भी जो फादर है वो सेबी ही है। जो मर्चेंट बैंक है उसकी भी फादर सेबी ही है। जो म्यूचुअल फंड है उसकी भी फादर सेबी ही है। जो कमोडिटी मार्केट है ना, जितनी भी कमोडिटी आप जाते हैं डीमार्ट बिग बाजार लेने के लिए, तो वो जो कमोडिटी आप देखते हैं उस पर जो प्राइस देखते हैं आप, तो इसको भी रेगुलेट कौन करता है? सेबी ही करता है। जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। बिफोर 2015 से पहले ये जो एफएमसी है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, वो आपके कमोडिटी मार्केट की रेगुलेटर हुआ करती थी। बट आज के दिन में एफएमसी कहीं भी नहीं है, कमोडिटी मार्केट की फादर सेबी है, म्यूचुअल फंड की फादर सेबी है, मर्चेंट बैंक की फादर सेबी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की फादर सेबी है, कैपिटल मार्केट की फादर सेबी है, और कैपिटल मार्केट के बेटे स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वो बीएसई हो, चाहे वो एनएससी हो, चाहे वो एमसीएक्स, बड़ी स्टॉक एक्सचेंज हो, इसकी भी फादर आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही है। फर्दर हम इस कैपिटल मार्केट को क्या करते हैं, तो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां से सुने मैं क्या बोल रहा हूं, हम इस कैपिटल मार्केट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी पार्ट है वो तो आप जानेंगे, दैट इज कॉल्ड, एक हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, तो इक्विटी का जो सिनोनिम्स है ना, दैट इज कॉल्ड शेयर। इक्विटी बोले या शेयर बोले, ये आपकी कैपिटल मार्केट की पहली पड़ाव होगी। दूसरा डेट मार्केट, डेट मार्केट बेसिकली मैं बताऊंगा कि बॉन्ड और डिबेंचर को हम बेसिकली डेट मार्केट बोलते हैं। तो कैपिटल मार्केट को मैंने बोला कि तीन पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम इक्विटी के रूप में, दूसरा पढ़ेंगे हम डेट के रूप में, और तीसरा पढ़ेंगे हम डेरिवेटिव के रूप में। तो डेरिवेटिव आपको समझ में आने वाला है, डेट के अंदर बॉन्ड और डिबेंचर समझ में आने वाला है, और इक्विटी के अंदर आपको शेयर की सारी बात समझ में आने वाली है। शेयर चलता कैसे है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, कितने स्टॉक एक्सचेंज है आपके इंडिया में, है ना, बुल मार्केट क्या है, बियर मार्केट क्या है, तमाम सी बातें। फर्दर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी को मैंने क्या बोला, तो मैंने बोला, अभी लिखना नहीं है, मैंने बोला कि कैपिटल मार्केट को हम तीन पार्ट में तोड़ेंगे। कौन कौन सा, तो इक्विटी, दूसरा कौन सा, तो डेट, और तीसरा कौन सा, तो डेरिवेटिव। फर्दर इस इक्विटी को जब हम तोड़ेंगे तो हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक को हम बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, दूसरे को हम बोलेंगे सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। इस डेट मार्केट को जब हम तोड़ेंगे तो दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक को हम बोलेंगे बॉन्ड और दूसरे को हम बोलेंगे डिबेंचर। और इस डेरिवेटिव को भी हम तोड़ के देखेंगे कि फॉरवर्ड क्या होता है, ऑप्शन क्या है ना, फ्यूचर क्या है, तो ये डेरिवेटिव का पार्ट हमारे पास होगा। मैंने क्या बोला कि इक्विटी को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक को हम बोलेंगे प्राइमरी और दूसरे को हम बोलेंगे सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, जब भी कोई नई कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर करती है और मार्केट से पहली बार पैसा उगाती है, दैट कम्स अंडर प्राइमरी कैपिटल मार्केट। लेकिन जो टाटा है, जो रिलायंस है, वो पुराने क्या, वो क्या है, तो पुराने रजिस्टर्ड कंपनी है, ये अगर मार्केट से पैसे उगाते हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। तो यहां तक की बात पहले हम कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, तो आएंगे डेट मार्केट पे, बॉन्ड और डिबेंचर पे, फिर हम आएंगे डेरिवेटिव मार्केट पे। तो पहली बात आपको लिखनी है, वो लिखनी ये है कि आपका टॉपिक सबसे पहले आपको लिखना है, तो लिखें कैपिटल मार्केट, लिखें कैपिटल मार्केट, फटाफट लिखो। लिखा क्या, आज लिखोगे कि कल लिखोगे? कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में पहली बात क्या लिखना है, तो इसका रेगुलेटर, रेगुलेटर कौन है,
सेबी सेबी का फुल फॉर्म भी लिखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरी बात, एस्टैब्लिशमेंट ईयर कब का होगा? 1988। कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट 1992। कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट 1992। चीफ कौन है, चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। क्या बात है, वेरी गुड। आज याद रहेगा, नेक्स्ट संडे पूछूंगा, अरे सर क्या बोल रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। अजय त्यागी किस किन चीजों को रेगुलेट करती है? तो पहला है कैपिटल मार्केट, दूसरा है एमएफ का मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तीसरा स्टॉक एक्सचेंज, चौथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्या है क्रेडिट एजेंसी, पूछेगा मत, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सिविल केयर वगैरह तो क्रेडिट एजेंसी है। नेक्स्ट क्या है, तो मर्चेंट बैंक, और एक और बताया था मैंने, कोई किसी को याद है, मान जाऊं अगर किसी को याद होगा तो, एक और बताया मैंने, इसको भी सेबी ही रेगुलेट करती है, कमोडिटी मार्केट। एक्सलेंट, कमोडिटी मार्केट। देखिए ये थोड़ा सा क्या है, यूनिक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके प्रोफेशनल ऑफिसर या कलर के मेंस में, कमोडिटी मार्केट। तो इन सब की जो फादर है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही है। पहले ये बेसिक चीजें लिखे आप, फिर हम आगे चलेंगे। ये लिखें, जब तक आप लिख रहे हैं किसी के पास कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ भी सकते हैं। बिंदा सर, कमोडिटी मार्केट मतलब नहीं समझ में आया, इसमें क्या होता है? ठीक है ठीक है, नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। आप देखो बिग बाजार जाते हो ना आप? यस सर। तो वहां पे कमोडिटी मिलता है क्या, चावल है, चूड़ा है, चीनी है, ये सब क्या दीज ऑल आर कमोडिटी है ना? तो लगभग 704 कमोडिटी है जो जिसका प्राइस जो है वो सेबी का। ऐसा नहीं कि मतलब चीनी अगर निकला तो 500 रुपए किलो चीनी मिलेगा, है ना? तो वो भी क्या है, तो निगरानी में रहता है, दैट इज कॉल्ड कमोडिटी। जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है ना, जो आप यूज करते हैं, चाहे वो पानी हो गया, सर्फ हो गया, साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, तो दीज ऑल कम्स अंडर कमोडिटी मार्केट। ओके संवैधानिक पावर। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि समटाइम्स कहता हुआ है कि सेबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा गया और देर इज नो नन ऑफ दीज एंड 1988 इन ऑप्शन। उस कंडीशन में बिंदास 1992 पे ही टिक मार्क आप करेंगे। फिर से बोलता हूँ मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि क्लर्किकल एग्जामिनेशन में बहुत बार सेबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा गया है जिसमें 1988 आपके ऑप्शन में नहीं है, है ना? उस कंडीशन में हमारी आंसर सिर्फ और सिर्फ 1992 ही होगी, है ना? तो जहां पे आप गलती कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑप्शन नदारत रहते हैं, वहां पर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपका आंसर बताने का तरीका कौन सा होना चाहिए। हटाओ इसको। यस सर, यस सर। एक मिनट सर। हेलो, क्या लिखा है? ये कमोडिटी मार्केट, ये मर्चेंट बैंक, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। सीआर लिखा है, तो सीआर का मतलब आप भी आप समझें कि अगर मैंने डीआर लिखा है इसका मतलब डेबिट है, सीआर लिखा है इसका मतलब क्रेडिट है। ये है स्टॉक एक्सचेंज, ये है म्यूचुअल फंड, ये है कैपिटल मार्केट। हेलो सर, ये बोलो बोलो सर, ये अजय त्यागी के यहाँ पर कोरोना हो गया उसको? नहीं सर, ये क्या लिखा है, सी एच ए अजय त्यागी है ना?
चेयरमैन। अब मेरी राइटिंग वैसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ा सा चाइनीज राइटिंग है, मंदारिन लिखता हूँ मैं। सर अच्छी है आपकी राइटिंग, पर हमें थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आती। ओके चलो एडजस्ट कर लो, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछ लिया करो, हटाओ सर, क्या हो गया, हटा दो, हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोला जाता है वो कौन सा है, तो आंसर क्या दीजिएगा? इंग्लिश। इंग्लिश। तो मुझे पता था कि आप में से बहुत सारे के आंसर जो है वो इंग्लिश ही आएंगे, बट इंग्लिश इज द रॉन्ग आंसर। हिंदी तो कहीं भी कतार में भी नहीं खड़ा है, वो तो हम और आप बोल लेते हैं, बट हिंदी का 1-2-3 में पायदान कहीं भी नहीं आता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? चाइना। चाइना की लैंग्वेज क्या है? चाइनीज नहीं है दादा, अभी मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि मेरी जो राइटिंग है मंदारिन टाइप की है, इट मींस कि मंदारिन इज लैंग्वेज, ये कहाँ की लैंग्वेज है? तो चाइना की लैंग्वेज है, और चूंकि पॉपुलेशन सबसे बड़ी है इसका ऐसे मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज आपके पूरे वर्ल्ड की मंदारिन ही है, नॉट इंग्लिश और हिंदी। समझ में आया? कैप्टन मार्के के तीन बेटे, कौन कौन सा? एक है इक्विटी या शेयर, इक्विटी बोले या शेयर बोले, दोनों एक ही है, इक्विटी। दूसरा क्या है? डेट। तीसरा क्या है? डेरिवेटिव। ठीक है, अभी इस इक्विटी को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट, और दूसरे को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। अभी सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, अभी फोकस क्लास है, इस फोकस क्लास को पैन इंडिया में बिजनेस फैलाना है, क्या चाहिए? कैपिटल। ऐसा चाहिए, है ना? पढ़ाने वाला बाद में चाहिए, कोई मिल जाता है ना? तो पहले चाहिए पैसा। तो आपके जो अशोक सर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो पहुंच गए बैंक, उन्होंने बोला कि भाई साहब मुझे 5 करोड़ का लोन चाहिए। तो बैंक ने अगर 5 करोड़ का लोन दे दिया है तो वो उनकी क्लास चले या ना चले, उनको तो देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। यस। उस कंडीशन में सर क्या करते हैं? तो सर करते हैं कि आपको बोलते हैं कि आप मेरे पास पैसे लगाओ, अगर हम आपके लगाए हुए पैसे पे पैसा कमाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न हम पे करेंगे। क्लियर? तो ये बात सर ने बोली है पहली बार। क्या बोला है? पहली बार मतलब जो फ्रेश जो भी स्टॉक इशू किया जाता है, पहली बार इशू किया जाता है, नई कंपनी के साथ इशू किया जाता है, वो जिस रूप में आता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कैपिटल मार्केट। और उस ऑफर को हम क्या बोलते हैं? द ऑफर इज एज आईपीओ, द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना? तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में फर्स्ट टाइम फंड रेज किया जाता है, नई कंपनी के द्वारा ये काम किया जाता है और मार्केट से पैसा उगाया जाता है। अगर आपने पैसे लगाए, अच्छा कमाया गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आपको लगाए हुए पैसे पे रिटर्न मिलता है, और उसी रिटर्न को जिस नाम से हम जानते हैं, कहने के लिए हम बोलते हैं कि हमें अच्छा इंटरेस्ट मिला है, बट कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। इंटरेस्ट नाम सिर्फ और सिर्फ मनी मार्केट के अंदर ही आता है, जो बैंक के साथ हम डील करते हैं। कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट नाम की कोई भी लाइन नहीं होती है, लेकिन इंटरेस्ट के रूप में जो पैसा हमको रिटर्न मिलता है हमारे लगाए हुए पैसे पे, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, है ना? तो अभी हम डिविडेंड पे है ही नहीं कि डिविडेंड क्या होता है, अभी सिर्फ हम हैं
आईपीओ के फुल फॉर्म पे कि व्हाट इज आईपीओ. तो आईपीओ इज बेसिकली ये इनिशियल पब्लिक ऑफर व्हिच ए न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम द मार्केट फर्स्ट टाइम. फिर से बोल रहा हूँ, न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम द मार्केट फर्स्ट टाइम. लेकिन अगर ये काम अशोक सर के द्वारा, फोकस के द्वारा पहली बार कर लिया गया तो सेकेंड टाइम आईपीओ मार्केट में नहीं आ सकता है. और जो मार्केट में फंड को उगाया जा सकता है वो जिस फंड के द्वारा उगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एसपीओ. द फुल फॉर्म ऑफ एसपीओ इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. फॉलो ऑन के नाम से ही हमें लग रहा है कि फॉलो मतलब किसी चीज को तो हम फॉलो कर रहे हैं. किसको फॉलो करेंगे साहब? तो जिसको हमने इशू कर दिया उसको तो फॉलो करेंगे. हमने इशू क्या किया है? आईपीओ को इशू किया है. तो नेक्स्ट टाइम हम क्या इशू करेंगे? एसपीओ इशू करेंगे. इसमें बाकी भी बहुत चीजें होती हैं कि प्राइमरी में और भी क्या आता है, बट हमारे और आपके एग्जाम्पल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारे और आपके एग्जाम्पल के लिए सिर्फ इतनी ही बात इम्पोर्टेंट है कि इक्विटी मार्केट के कितने पार्ट हैं. आंसर इज दो. आपसे पूछा जाता है कि आईपीओ का फुल फॉर्म बताइए, इनिशियल पब्लिक ऑफर. आईपीओ किसका पार्ट है? तो आईपीओ प्राइमरी कैपिटल मार्केट का पार्ट है. एसपीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉलो ऑन पब्लिक कैपिटल है, जिसको हम सेकेंडरी कैपिटल मार्केट या फिर आफ्टर मार्केट के भी नाम से जानते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, एसबीआई पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या तो पूछा जो भी पूछा गया था, आफ्टर मार्केट पूछा गया था, क्या होता है आफ्टर मार्केट. आफ्टर मार्केट मार्केट इज नथिंग एक्सेप्ट सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, जहां पे ओल्ड रजिस्टर्ड कंपनी मार्केट से पैसा उगाती है. जो कहते हैं ना ट्रेडिंग हम करते हैं, तो ट्रेडिंग करते हैं, सुबह पैसा लगाया, शाम में निकाल लिया, एक महीने के बाद निकाला, दस साल के बाद निकाला, तो वो सब एसपीओ के अंदर चलता है, मतलब सेकेंडरी के अंदर चलता है. लेकिन पहली बार आएगा तो आईपीओ के नाम से आएगा. तो लिखे कैपिटल मार्केट को तीन पार्ट में तोड़े, इक्विटी, डेट एंड डेरिवेटिव. इक्विटी को दो पार्ट में तोड़े, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और सेकेंडरी के दूसरे नाम में लिखे आफ्टर मार्केट. प्राइमरी के नीचे आईपीओ लिखिए, आईपीओ का फुल फॉर्म लिखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर. यहां पर हम लिखेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. इतनी बात लिखें, फिर हम आगे चलते हैं. डन सर. डन सर, थोड़ी देर, दो मिनट सर, दो मिनट. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सर वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में आईपीओ बोलो ना, क्या बोला आपने? आईपीओ फॉलो ऑन लिखा है ना, फॉलो ऑन FOLLOWON follow on. IPO में लिखिएगा an initial public offer. IPO में एक लाइन ऐड करो, an initial public offer जो यहां पे लिखा है ना उसमें एक लाइन ऐड करो. इसका क्या होता है बेसिकली ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है.
लिखें एन इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू द प्रोसेस एन इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू द प्रोसेस refers to the process of offering refers to the process of offering shares process of offering shares profit of process of offering process offering. By process of offering shares to public process of offering shares to public in a new stock process of offering to public in a new stock new stock first time New stock, first time. ठीक है अंडरलाइन कर लीजिए न्यू स्टॉक पे और अंडरलाइन कर लीजिए फर्स्ट टाइम पे IPO and FPO, full form itself is important. Primary and secondary are the part of equity market. And equity is one of the part of capital market. अभी सुनो मैं क्या बोलता हूँ मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं जब तक मैं पूरा ना बोलू मेरे से क्वेश्चन मत पूछना मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं उस 1,00,000 रुपए का मैं क्या करूँ जब तक हमारे पास पैसा नहीं है तब तक मैं हम कुछ सोचते नहीं है लेकिन जब हमारे पास फंड अवेलेबल हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि इसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें तो फिर सोचते हैं कि इसको हम क्या सेविंग अकाउंट में रहने दें या फिर इसका एफडी कर लें या फिर इसको हम शेयर मार्केट में लगा दें या फिर इससे हम कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट परचेज कर लें या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें या फिर इंश्योरेंस में पैसा ये डाल दें या फिर किसी पीपीएफ अकाउंट में या फिर किसान विकास पत्र में हम परचेज कर लें तो ये हमारे क्या है इन्वेस्टमेंट के वैरायटी है इन्वेस्टमेंट के अलग अलग क्या है तो टाइप है हेलो पापा कर देना अरे भाई किसका माइक ऑन है ओ पापा चौधरी बिल दिले पेपर चा हाँ कशा ठेवले ते पैसे तो बोलतो पप्पांना माहिती है रोहित 510 रुपये दिले ना काहीतरी 500 रुपये दिले का त्यांना त्या याच्यातच ठेवलेत का माझ्या पिशवी मध्ये देखो देखो ये कितनी देर रोहित आपको आवाज आ रही है रोहित मौलिक रोहित जब आप नहीं बोलते हैं तो एटलीस्ट अपने माइक ऑफ रखिए ये सिर्फ रोहित से नहीं बोल रहा हूं सबसे बोल रहा हूं ओके मैं जब बोलता हूं तो पीछे से इंजन चलते रहता है उस इंजन में कुछ और भी चीज आके वो सुना रहा है कि चाय लेके आओ बिस्किट लेके आओ तो कैसे काम चलेगा सॉरी सर इतना तो कम से कम डिसिप्लिन बनाए रखो ना ठीक है नहीं गलती होती है कोई बात नहीं है इसके लिए बट प्लीज डू केयर क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो संभवतः बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये चीजें नहीं समझ पाएंगे इस कारण से प्लीज डू केयर है ना सॉरी क्या बोल रहा था भाई क्या बोल रहा था भूल गया जिस फ्लो वो जो आ रहा था ना गजनी की तरह अब वापस आ रहा था बाउंस बैक हो रहा था अब वो आएगा नहीं अलग अलग टाइप है उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि मेरी जो एज है वो 60 ईयर्स हो गई है मतलब मेरे पापा का जो ये पैसा है ये उनसे रिटायरमेंट पे मिला है तो
तो क्या पापा शेयर मार्केट में अपने पैसे लगा सकते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं? तो आप बोलते हैं सर रिस्की है, एक साल में अगर शेयर मार्केट डूब गया तो ये जो बेचारे 50 लाख रुपए इनको डायमंड मिला है, हो सकता है 30 लाख रुपए हो जाए। तो वहां पे आप देखते हैं, आप क्या देखते हैं? रिस्क इन्वॉल्वमेंट आप देखते हैं। लेकिन मैं जिस एज में खड़ा हूं तो मैं देखूंगा ठीक है यार 5 साल डूबा भी तो कोई बात नहीं है, अगर इंडिया का इकोनॉमी रन करना है, इंडिया की ग्रोथ अगर होगी, इसका मतलब कैपिटल मार्केट आगे बढ़ेगा, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखता हूँ। मैं देखता हूँ 10 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे दिखता है कि चलो 2-3 साल में अगर लॉस नहीं हुआ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5-10 साल के बाद मुझे वहां पे प्रॉफिट होगा। तो मैं लगा सकता हूँ शेयर में, लेकिन पापा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक सेक्टर जुड़ा हुआ है। उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि चलो एफडी पे 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो 6% जहां पर इंटरेस्ट हमको मिलता है तो वहां पर पैसे हम डालें। 6% कहां मिलता है? तो एज के आधार पर हम बोलते हैं जो डेट फंड होता है, जो गवर्नमेंट इशू करती है, जहां पे जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होती है, वहीं पे हम पैसा लगाते हैं, विच इज द सेकेंड पिलर ऑफ कैपिटल मार्केट। सेकेंड मार्केट का कैपिटल मार्केट सेकेंड पिलर कौन सा है? कैपिटल मार्केट का सेकेंड पिलर कौन सा है? डेट मार्केट। इस डेट मार्केट को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक को हम बोलते हैं बॉन्ड, बॉन्ड, दूसरे को हम क्या बोलते हैं? डिवेंचर। अभी सुने बॉन्ड और डिवेंचर में अंतर क्या है। मैंने आपको बोला कि कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट नाम का कोई भी टर्म नहीं होता है। देखने समझने सुनने के लिए हम बोलते हैं कि हमारा इंटरेस्ट 6% है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है तो मैं आऊंगा तो आपको पता चलेगा। बॉन्ड जनरली हम उस सर्टिफिकेट को कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है। कोई कंपनी बॉन्ड इशू नहीं कर सकती है, कोई बैंक बॉन्ड इशू नहीं कर सकती है ना। हमेशा बॉन्ड कैन बी इशू बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा तो विश्वास है ना कि भारत सरकार, जैसे ही हम देखते हैं वो तीन शेर हमें आगे में दिखता है तो हमारा सबसे पहले विश्वास तो वही जगता है। इस कारण से बॉन्ड में सबसे ज्यादा हमारा विश्वास है, और बॉन्ड इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, जहां पे हमारा क्या है तो इन्वेस्टमेंट सेफ है, सिक्योरिटी ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर रिटर्न कम होगा। इक्विटी देखिए, शेयर देखिए, वहां पे क्या है तो सिक्योरिटी बहुत कम है, लेकिन इंटरेस्ट रिटर्न क्या है तो वहां पर ज्यादा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वैसे ही बॉन्ड में सिक्योरिटी ज्यादा है, हमने डाल दिया तो कभी डूबने वाला नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा देगी ही देगी हमको। तो बॉन्ड कैन बी इशूड बाय ओनली गवर्नमेंट। डोंट राइट, सिर्फ सुने। दूसरी बात, बॉन्ड आर बैक्ड बाय एसेट। कभी भी गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू करती है तो उतने रुपए का उसके पास गोल्ड या फिर कोई भी सिक्योरिटी जो है वो रहता है ना। जैसे 5,000 करोड़ का बॉन्ड इशू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसका मतलब है कि 5,000 करोड़ के गोल्ड उसने रिजर्व कर लिए हैं। तो बॉन्ड ऑलवेज बैक बाय एसेट। अगर गवर्नमेंट ने खराब भी परफॉर्म किया तो वो जो 5,00,000 करोड़ की एसेट है वो गोल्ड है, वो देश के भारत सरकार आपको पैसा दे सकती है। इस कारण से हम बोलते हैं कि क्या है तो यहाँ पे हमारा रिस्क कम है। क्यों रिस्क कम है? क्योंकि इसके पास क्या है तो बैक बाय एसेट है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट के पास उसने पैसे हैं, उस पैसे के बिहाफ से उसने गवर्नमेंट ने क्या किया है तो आपको बॉन्ड दिया है। बॉन्ड कुछ भी नहीं है, बॉन्ड एक कागज है जिस कागज पे लिखा है, जैसे 100 रुपया क्या है, तो 100 रुपया भी तो वही है कि मैं आपको 100 रुपये देने का वादा करता हूँ। वैसे ही बॉन्ड में भी लिखा रहता है कि मैं आपको इतने पैसे, मतलब इस आपके इतने पैसे लिए हैं और इस दिनों के बाद इतने पैसे आपको देंगे। बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट हमको मिलता है वो इंटरेस्ट नहीं है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कूपन। आपने कभी जीरो कूपन का नाम सुना है? क्या होता है जीरो कूपन?
जीरो कूपन क्या होता है? बोलो बोलो, ठीक ठीक बोल रहे हो, बोलो। चार चीजें आपको जाननी है कि बॉन्ड कैन बी इशूड बाय गवर्नमेंट ओनली, बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय एसेट एंड द रिटर्न एप्लीकेबल ऑन बॉन्ड इज कॉल्ड कूपन एंड द रिटर्न इज कंपैरेटिवली लोअर देन द अदर इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात आप जान रहे हैं कि व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड। देखिए जीरो कूपन, कूपन का मतलब आप समझ गए, कूपन कुछ भी नहीं है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो आपको सोडेक्सो का कूपन दिया जाता है ना, कि ये कूपन ले लो, 2000 रुपए कूपन है, इससे आप किसी भी कोई भी कर सकते हैं। तो कूपन क्या होता है? कूपन कुछ भी नहीं है। एक साधारण से भाषा में समझने के लिए आप ये समझे, कूपन इज नथिंग एक्सेप्ट रिटर्न। कूपन एक रिटर्न है जो बॉन्ड से आपको दिए, वैसा बॉन्ड जिसपे कोई भी इंटरेस्ट शुरुआत के दिन में नहीं पे किया जाता है ना। सपोज 90,000 आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो 90,000 में हम आपको कितना देंगे वो पहले ही नहीं खोला जाता, लेकिन जब आप मैच्योरिटी पे उसको सेल आउट करेंगे तो यू विल गेट रिटर्न। तो वैसा कूपन जिसपे इनिशियली देर इज नो, बट आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कूपन the interest or the return is payable, such bonds are called zero coupon bond. This is very very important. What is the meaning of zero coupon bond? अभी आते हैं हम debenture पे। तो debenture कौन issue करेगा? Private company issue करेगी। क्या इसमें back by asset होगा? तो हो भी सकता है, may or may not। हो भी सकता है कि उसके पास एसेट हो, उसके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति हो, किसी तरह के जैसा, है ना। तो मे और मे नॉट बैक्ड बाय एसेट। कूपन यहां पे क्या होता है? तो यहां भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट फिक्स रिटर्न आपको मिलता है। फिक्स रिटर्न इज पेएबल कंपैरेटिवली मोर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इशू करती है। जब तक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट से ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे नहीं करेगी, तब तक हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। तो मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी आप सुने कि अब लिखिएगा मत, अभी सुनिए कि आपने लगाया आईसीआईसीआई बैंक में पैसा, शेयर में लगाया आपने पैसा, आईसीआईसीआई बैंक डूब गई, तो आपके पैसे मिलेंगे क्या आपको वापस? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक का उतना बड़ा एसेट बैक होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बट अगर आईसीआईसीआई बैंक डूबती है, लिक्विडाइजेशन होता है, दिवालियापन उसकी आती है, तो सबसे पहला जैसे उसका फ्रिज लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, डेस्क लगा हुआ है, प्रीमाइसेस उसने कहीं खरीदा है, तो इन सबको नीलाम करके जो सबसे पहला रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किया जाता है, वो जिसको किया जाता है वो होते हैं प्रिफरेंस शेयर होल्डर। बताऊंगा आगे चलते कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुने। पैसा हमने लगाया था, पैसा प्रिफरेंस शेयर होल्डर में भी लगाया था, पैसा डिवेंचर होल्डर में भी लगाया था। आईसीआईसीआई बैंक डूब गई, तो आईसीआईसीआई बैंक के एसेट को बेच के जो पहला रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हम करेंगे, वो सिर्फ उसको हम करेंगे जिसने प्रिफरेंस शेयर हमसे लिया हुआ हो। दूसरा पैसा जो हम रिटर्न करेंगे वो उसको रिटर्न करेंगे जो आईसीआईसीआई बैंक का डिवेंचर होल्डर होगा, और उसके बाद अगर 2-4 रुपए बच गए तो आपने अगर लिया है तो आपको हम रिटर्न करेंगे, अदरवाइज शेयर होल्डर के पैसे मिले या ना मिले इससे कोई गारंटी नहीं है। बट डिवेंचर होल्डर विल बी गेटिंग द फर्स्ट प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडाइजेशन ऑफ द कंपनी गिवन priority on liquidation। कितनी बात आप लिखें, डेट मार्केट को दो पार्ट में तोड़ें, बॉन्ड एंड डिवेंचर। बॉन्ड में लिखें जो मैं लिखाता हूं,
issued by government only. Issued by government only. दूसरा आप लिखें, डिबेंचर में लिखें बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डिबेंचर में. बॉन्ड में लिखिएगा दूसरी बात ऑलवेज बैक्ड बाय एसेट्स, ऑलवेज बैक्ड बाय एसेट्स. सर ऑलवेज, ऑलवेज बैक, बैक मतलब सहारा रहता है. किस चीज का सहारा रहता है? तो एसेट का सहारा है, मतलब उसके पास उतनी पूंजी है. ऑलवेज बैक बाय एसेट. डिवेंचर में लिखिए मे और मे नॉट बी बैक बाय एसेट, मे और मे नॉट बी बैक बाय एसेट. बॉन्ड में लिखिए लोअर रिटेन, लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लोअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. डिबेंचर में लिखिए हाइयर रिटर्न देन बॉन्ड, हाइयर रिटर्न देन बॉन्ड. बॉन्ड में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए रिटर्न ऑन बॉन्ड कॉल्ड कूपन. अंडरलाइन कीजिए कूपन का मतलब क्या होता है, वहां पर सोचने का नहीं कि कूपन कहां से आया. रिटर्न ऑन बॉन्ड कॉल्ड कूपन, रिटर्न ऑन बॉन्ड कॉल्ड कूपन. डिवेंचर में लिखिए डिवेंचर होल्डर्स आर नॉट गेटिंग डिविडेंट, डिवेंचर होल्डर्स आर नॉट गेटिंग डिविडेंट. वेर एज डिवेंचर होल्डर्स आर नॉट गेटिंग डिविडेंट, वेर एज ए फिक्स रिटर्न, ए फिक्स रिटर्न इज प्री डिसाइडेड. Whereas a fixed return, 5 lakh लगाई हो तो पहले ही हम बोलेंगे कि आपको 6% हम देंगे. Whereas a fixed return is pre-decided. Bond में आखिरी बात लिखिए most secured investment, most सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट. सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट देती है, इस तरह से हम सोचते ही नहीं है सिक्योरिटी क्या होगा. गवर्नमेंट ने दिया है तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा. दैट इज कॉल्ड मोस्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट. डिवेंचर में क्या लिखेंगे? अनसिक्योर्ड लिख दो. सिक्योर्ड यहां भी लिखिएगा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट. मोस्ट मत लिखिए बट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट लिखिए, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं उसी समय उस पर कितना हम देंगे जब आप सेल करेंगे वो लिखा होता है. सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट. आवाज आ रही है क्या? तो यहां भी हम लिखेंगे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट. देखिए जब आप शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 15 दिनों में कितना मिलेगा ये कहीं लिखा होता है क्या? नो सर. इस कारण वो क्या है? अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है. लेकिन डिवेंचर जब आप लेंगे तो उससे कितना रिटर्न होगा वो प्री डिसाइडेड होता है. वो आप जब परचेज करेंगे वो बॉन्ड
तो उस पर लिखा होता है। इस कारण से जब भी हम ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लगाते समय पैसा लगाते समय हमें ये मालूम हो जाए कि हमें इतना पैसा वापस मिलेगा इतने दिनों के बाद, उसको हम सिक्योर के रूप में ट्रीट करते हैं। हम एफडी को क्यों सिक्योर मानते हैं, क्योंकि जब हम एफडी में 1,00,000 रुपए लगाते हैं तो जो एफडी का प्रिंट हमारे पास आता है उसमें लिखा रहता है कि आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर विल रिसीव 1.5 लाख रुपीज, तो ये 5,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट है। तो क्यों हमारा ये है आपका सिक्योरिटी है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पहले ही डिसाइड होता है। इसका ये भी सिक्योर्ड है, ये भी सिक्योर्ड है। यहाँ पे कोई दिक्कत? दोनों पैसे में इन्वेस्ट करना चाहिए। बात तो तुमने सही पूछा है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो बताओ। आप मेरे को ये बताओ, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, 1,00,000 रुपया तुमने लगाया और 1,00,000 पे हम आपको एक जगह पे 4,000 रुपया दे रहे हैं और एक जगह पे हम आपको 4,300 रुपया दे रहे हैं, पैसा कहाँ लगाओगे? कहाँ लगाओगे? डिबेंचर। हाँ, डिबेंचर पे कौन लगाएगा? तो जो 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 क्या चाहते हैं, तो जो रिस्क लेना कम चाहते हैं, लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं वो डिबेंचर में लगाएंगे, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं वो कहाँ लगाएंगे? तो बॉन्ड लगाएंगे। जिनका ये 50 साल अनुभव हो गया है, पता नहीं चलेगा कि भाई साहब ये प्राइवेट बैंक रहेगी कि नहीं रहेगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी या नहीं रहेगी। हम और आप रिस्क ले सकते हैं, तो रिस्क लेने का भी एक चक्र होता है, कहाँ तक हम रिस्क ले सकते हैं। तो जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर रिस्क कम है तो रिटर्न भी क्या है, कम है। तो बेसिकली ये उनको हम पिच करते हैं जिनका एज 50+ है, ये उनके लिए है जिनका एज बिलो 50 है। इक्विटी उनके लिए है जिनका एज 30-25 साल चल रहा है, तो वो रिस्क और भी ज्यादा ले सकते हैं, उनको और भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा, हो सकता है 8,000 रुपये मिल जाए, है ना। तो एज के आधार पे हम रिस्क लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहाँ पर पैसा लगाए, डिपेंड करता है कि आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। अगर हाई रिस्क फील्ड कस्टमर है, इक्विटी में लगाएगा वो, म्यूचुअल फंड में लगाएगा वो। अगर बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं बट थोड़ा सा हम रिस्क लेना चाहते हैं, डिवेंचर लगाएंगे। भाई साहब हमको गवर्नमेंट के साथ ही जाना है, जो मोदी बाबा कहेंगे वही हमको करना है, तो हम बॉन्ड लगा के छोड़ देंगे। सर अगर अगर पब्लिक कंपनी रहेगी तो भी हम लोग डिवेंचर इशू कर सकते हैं। अगर सर पब्लिक कंपनी रहेगी तो भी लोग डिवेंचर इशू कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सर आपने सिर्फ प्राइवेट कंपनी की, कोई भी कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी हो मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के साथ, अब फोकस कंपटीशन जोन है, लेकिन क्या लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के साथ? आंसर इज नो। तो अगर पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जो भी लिस्टेड कंपनी है वो मार्केट में डिवेंचर इशू कर सकती है। नहीं सर आपने वो प्राइवेट लिखा था, वही वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नहीं, पब्लिक और प्राइवेट कहने का मतलब बेसिकली हम ट्रीट करते हैं प्राइवेट के रूप में ही, बट एक्चुअली आपसे अगर पूछा जाए तो पब्लिक और प्राइवेट बोथ कैन इशू डिवेंचर। यस, क्लियर। एंड सर ये जब डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी होता है, जब कंपनी डिसॉल्व होती है, तो सर उस टाइम पे डिबेंचर को पहले देना चाहिए ना? सर आप बोले कि इक्विटी को पहले देते, ए प्रेफरेंस शेयर। अरे दादा ऐसा मत बोलो, मैंने बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो जिस समय हम आप एक कंपनी के लिक्विडाइजेशन की बात करेंगे, उसमें पहला हम देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर देंगे डिबेंचर होल्डर को, और फिर देंगे कुछ बचा उचा अगर रह गया तो फिर देंगे शेयर होल्डर को, ठीक है। अभी हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस पढ़ाया है नहीं, क्या होता है प्रेफरेंस, ठीक है। तो शेयर वाले को अगर कुछ बच गया तो ही हम देते हैं 1-2 रुपए, अदरवाइज प्रेफरेंस में ही खत्म हो जाता है, उसके बाद बचा तो डिवेंचर में जाता है, उसके बाद बच गया तो 2-4 रुपए हम देके काम खत्म करके आगे चल देते हैं। हाँ, 0% बॉन्ड मैं नोट में लिखाता हूँ, वो यहाँ पे नहीं, नोट स्पेशल नोट है उसके लिए, क्योंकि वो मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है 0% के लिए। सर एक प्रश्न था। बोलिए बोलिए। हाँ बोलो, सर बोलो ना। सर मैं बोल रही थी कि शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, या म्यूचुअल फंड में? क्योंकि ना ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन, एडवाइस देने का पैसा लग जाएगा 3 रुपए। मुझे डाउट है, मुझे
मैंने ना दो लोगों से पूछा, एक लोगों ने बोला आपका एज अभी बहुत कम है, अभी से शेयर वगैरह में मत इन्वेस्ट करो, और एक बोल रहे हैं अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे। किसने बोला है, मेरे से बात करवाओ। मतलब दोनों मेरे कलीग ही है अभी। देखो अब तुमने गलत आदमी से सही चीज पूछ लिया, उसका आंसर तो तुमको वही मिलेगा ना। चलो मैं बताता हूँ, पेन से मत लो। पहले एक नोट हम लिखेंगे जीरो कूपन के बारे में, फिर आपके पर्सनल क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर हम वो देने की कोशिश करेंगे। क्या लिखूं अभी? जीरो कूपन बॉन्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, इसका आंसर हैंडल विथ केयर कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। देखो नाम नहीं लिखा हुआ है जीरो कूपन, कूपन का मतलब है रिटर्न, वैसा इन्वेस्टमेंट जिसपे हम आपको जीरो रिटर्न देंगे। कहेंगे सर रिटर्न अगर जीरो दीजिएगा तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, तो सही बात है, लेकिन जिस समय हम परचेज कर रहे हैं उस समय कितना रिटर्न मिलेगा वो फिक्स नहीं होता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस समय हम सेल करते हैं उस समय हमें रिटर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। लिखें जीरो कूपन बॉन्ड का, ए जीरो कूपन बॉन्ड इज अ बॉन्ड, इज ए बॉन्ड इन विच द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब अगर एक लाख रुपए का हमारा बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड वन लाख रुपीज इज फेस वैल्यू। जीरो कूपन बॉन्ड इज अ बॉन्ड इन विच द फेस वैल्यू is repaid at the time of kya? maturity. Yes, at the time of maturity. Zero coupon bond is a bond in which the face value is repaid at the time of maturity of bond. सर ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, लिखो ना, मैं लिखाता हूं। जीरो कूपन बॉन्ड इज अ बॉन्ड इन विच द फेस वैल्यू इज रीपेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। चलिए अभी किसी ने मेरे से पूछा कि सर किधर पैसे लगाए, म्यूचुअल फंड लगाए या अपने पास घर में रखे हैं या बैंक में एफडी कर रहे हैं। देखो मेरी बात अगर मानते हैं, एक तो मानते नहीं है, अगर मानते तो जितनी बात मैं बताता हूं वो नेक्स्ट क्लास में आपको याद होता, तो पहली बात यही होगी कि मेरी बात तो मानते ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत मानते हैं तो पहली बात यह है कि विदाउट नॉलेज इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं होता है। मैंने आज किसी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि मेरे को शेयर से 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और मैं उससे कहने पे अगर फिर से 50,000 रुपए लगा दूं और 5,000 रुपए का इंतजार करूं तो किसी ना 5,000 कभी मिलेगा ना प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। तो विदाउट नॉलेज कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। तो दो बातें मैं बता रहा हूं, एक तो नॉलेज हो तो इन्वेस्टमेंट कीजिए और दूसरा नॉलेज नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। और दूसरी बात ये भी बता रहा हूं कि अगर इंडिया की इकोनॉमी रन करेगी, इंडिया अगर आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कैपिटल मार्केट जो शेयर मार्केट है वो ग्रो होगा। कोई भी शेयर निकाल के आज आप देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी शेयर आज आप निकाल के देखिए, किसी भी कंपनी का शेयर आप निकाल के देखो और सिर्फ ये देखो कि 6 साल पहले उस वो जो कंपनी थी उसका जो शेयर था उसका फेस वैल्यू क्या था। बस फिर से बोलता हूं,
किसी भी कंपनी के शेयर को उठाइए, उसको ये नहीं देखिए कि कल क्या था, एक महीने प्याज क्या था, एक साल पहले क्या था, 6 या 8 साल पहले आप देखिए कि उस कंपनी का फेस वैल्यू क्या था। क्या वो कंपनी 8 रुपए में एक शेयर देती थी और आज 3 रुपए में उस शेयर मिल रहा है? अगर ऐसा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो यही है, अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इसका मतलब है शेयर मार्केट इंक्लाइंड हुआ है। लेकिन हम कहते क्या कहते हैं, मैं खुद का ही डील करता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास नॉलेज है, हर एक मार्केट का नॉलेज है, फिर भी मैं शेयर में पैसा नहीं लगाता हूं क्योंकि मुझे एक्चुअल कंपनी का जो एनालिसिस है वो करने का टाइम नहीं है कि कल होके कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, उतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। सुबह से लेकर शाम बैंक में बैठा रहूंगा, 8 बजे जाऊंगा, रात में 9 बजे जाऊंगा, किधर पढ़ूंगा कंपनी के बारे में क्या कल का ट्रेंड क्या होगा? तो जहां पे मेरी नॉलेज है ही नहीं उस कंपनी के बारे में, वहां अपने पैसे को लगा के क्यों इन्वेस्टमेंट मैं कर लूं दूर? इस कारण से मैं बोलता हूं कि भाई साहब मेरा जो पैसा है वो तुम लगाओ। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे इस स्टेटमेंट में ही आप जिसने भी क्वेश्चन पूछा है मैडम ने उनका आंसर है। तो मैंने बोला, एक तो मैंने ये बोला कि मेरा नॉलेज आपके कंपनी में नहीं है, इस कारण से मैं डायरेक्ट पैसे नहीं लगा रहा हूं। लेकिन तुमको मैं जानता हूं कि तुम हमेशा शेयर ट्रेडिंग करते हो, तो मेरा 1 लाख रुपया ले लो और तुम इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा कम ही लेकिन मुझे रिटर्न दे दो। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है कि आपके 1000 जो आपने रुपया लगाया है, उस 1000 को हम अलग अलग कंपनी में बांध देते हैं। कोई हम लगा दिया FMCG कंपनी में, किसी को लगा दिया हमने मेडिसिन की कंपनी में, किसी को लगा दिया हमने कोर बिलर की कंपनी में। तो अगर एक कंपनी का ग्राफ ऊपर नीचे भी होता है तो दूसरे कंपनी के ग्राफ से हम आपके रिटर्न हम आपको देते हैं। हम उतना नहीं देते हैं जो आपको एक्चुअल इक्विटी में मिलता, बट फिर भी हम आपको ऑन एन एवरेज अच्छा रिटर्न देते हैं। अच्छा रिटर्न हम खुद से नहीं लेते हैं, हम उनको बोलते हैं पैसे लगाओ, और वो जो है वो जिस नाम से जाने जाते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पे विश्वास करते हैं, चाहे वो SBI म्यूचुअल फंड हो गया, रिलायंस म्यूचुअल फंड हो गया, या ICICI म्यूचुअल फंड हो गया। वो प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, उनका काम ही यही है। उनकी सैलरी 1.5 करोड़ रुपए महीने की होती है, तो उनका काम ही यही है कि कौन सी कंपनी कल बढ़ेगी कौन सी कंपनी कल घटेगी, उसके हिसाब से आपके फंड को मैनेज करना। तो आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, हमें एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है, हम खुश हैं। लेकिन कल हमने वो 1000 रुपए ICICI बैंक में लगा दिया होता और चंदा कोचर मैडम के साथ ये इंसिडेंट हो गया, कल 1000 रुपए 600 रुपए हमें दिखता, तो हमारा वहां पर रिस्क इन्वॉल्व है। तो अगर आप उस कंपनी को पर्टिकुलरली जानते हैं, शेयर मार्केट का आपका नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपका अगर इक्विटी शेयर मार्केट या फिर कंपनी में नॉलेज आधा अधूरा है, डोंट टेक रिस्क, है ना? तो आप म्यूचुअल फंड मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। अभी मेरे से क्वेश्चन पूछो, किसी ने पूछा था तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको आंसर दिया है। हो सकता है कि मेरा जो आंसर होगा वो वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस बैंकिंग में 10-12 सालों का है, उसके आधार पर मैंने ये आपको आंसर दिया है। पूछो, क्या पूछ रहे हो? थैंक यू सो मच सर, मेरे को समझा आपने जो जो बोला, लेकिन मैं ये बोल रही थी जो म्यूचुअल फंड में आपने बोला ना कि जो ब्रोकर होते हैं, एजेंट्स होते हैं, तो हम पैसे दे देंगे उनको, मतलब उनको हायर करने के लिए भी अलग से पे करना पड़ता है कि वो बाय डिफॉल्ट क्या? ओके, ठीक है। नहीं, आप क्या करते हैं, तो आप कौन से बैंक में अकाउंट है? क्या क्या, सॉरी, कौन से बैंक में अकाउंट है? मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है, HDFC में भी है। ठीक है, ATM का पासवर्ड क्या होता हो? या? देखो, आप क्या करते हैं, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं, आप बोलते हैं कि सर मुझे 2000 का SIP करना है, करेक्ट है ना? या फिर आपकी कहीं अच्छी खासी पैसे कहीं से आए तो आप बोलते हैं डायरेक्ट मुझे 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में। तो आपको बैंक को पैसा देना है, बैंक इज एजेंट, है ना? आपको कोई एजेंट हायर नहीं करना है, आपको उनको 1.5 करोड़ रुपए नहीं देना है। बैंक क्या है, तो बैंक अपना एजेंट क्या करता है, तो अपॉइंट करता है ना? तो आप बैंक पे विश्वास करते हैं, बैंक वो एजेंट पे विश्वास करता है, और एजेंट के पास बहुत सारे ऐसे स्किल होते हैं जिसमें वो फंड क्या करते हैं, तो बढ़ाते हैं। क्लियर? तो ऐसा इन्वेस्टमेंट बट हाँ ओके सर, मार्केट में आप देखिए ऑन एन एवरेज
पर क्लियर, लेकिन मुझे ये पूछना था आजकल बहुत सारे एप्स होते हैं ना, ऐप थ्रू भी हम लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में डालते हैं, तो वो सेफेस्ट है क्या हमारे लिए, कि उसमें हम लोग को डायरेक्टली जो एजेंट्स वगैरह है वो साथ? नहीं नहीं मैडम, आप ऐप के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप तो फंड आप खुद सेलेक्ट करते होगे ना, ऐप तो आपको एक फंड दिखाता है कि ये फंड एचडीएफसी ये फंड चल रहा है, एसबीआई ये फंड चल रहा है, तो ऐप कोई फंड नहीं है, फंड आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे किस फंड में पैसे चाहिए। एक्चुअली सर आई एम टोटली फ्रेशर फॉर दिस वन, तो इसलिए मेरे को नॉलेज चाहिए था कि कैसे, ठीक है मेरे को समझा लेकिन कैसे क्या नहीं, किस चीज का आपको किस चीज का प्रेशर है, आपको ये चीज सेल करनी है क्या? नहीं नहीं सेल नहीं करना है, मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो ये सोच रही थी कि शेयर्स में डालू या म्यूचुअल फंड में डालू, लेकिन शेयर्स आपने जैसे बोला, टेक माय पर्सनल एडवाइस, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ओनली। हां क्लियर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हां इक्विटी में ही लगाने का, हां लेकिन आपको लग रहा है कि ये पैसा मुझे 10 साल के बाद मुझे चाहिए, तो आप मन करोगे इक्विटी में लगा देने का, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे 1 साल के बाद चाहिए पैसा, ये 1.5 साल के बाद चाहिए, डोंट इन्वेस्ट इन इक्विटी सर। बट म्यूचुअल फंड में अगर हम लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में डाले तो वो ज्यादा बेस्ट होता है हमारे लिए। देखिए मैडम, म्यूचुअल फंड का कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं होता है, एनी टाइम यू कैन ब्रेक योर म्यूचुअल फंड, है ना, लेकिन जितने लंबे टेन्योर के लिए आप अपने फंड को वहां पे छोड़ दीजिएगा, उतना ज्यादा उसका जो नैव होता है, नेट एसेट वैल्यू, वो ग्रो करता है। क्लियर, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, हमें 10 साल के लिए करना है, वैसा कोई भी पीरियड, जैसे एफडी में हम जाते हैं ना एफडी बनवाने के लिए, तो हम लिखते हैं कि 1 साल के लिए हमें करना है, 5 साल के लिए हमें करना है, तो ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं है, कि म्यूचुअल फंड में कोई भी पीरियड नहीं होता है, लेकिन जनरली 1 साल के अंदर आप ब्रेक करेंगे तो एलटीसीजी या एससीसीजी जो टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो टैक्स इंपोज हो जाता है, इस कारण से जनरली हम 2-4 साल 5 साल ऐसा छोड़ के ही हम इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। चलो आगे, इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्ट बैंक से मतलब के कनेक्ट करने पड़ते हैं, क्या हो गया, जहाँ पे अपना बैंक अकाउंट रहेगा वो बैंक में आकर बोलना पड़ता है हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। बैंक अकाउंट इज नॉट कंपलसरी, इफ आई एम हैविंग माय बैंक इन बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आई वांट टू परचेज वन एसआईपी ऑफ एचडीएफसी बैंक आई कैन। तो म्यूचुअल फंड के लिए उस बैंक में अकाउंट होना इज नॉट कंपलसरी, वेदर एज यू कैन परचेज द फंड, वहां के फंड मैनेजर होते हैं, वो आप चेक दीजिएगा अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, है ना, एचडीएफसी बैंक में आपने एसआईपी ले लिया, वहां पे ईसीएस मैंडेट दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके बैंक ऑफ बड़ौदा से हर एक महीने में एसआईपी का 5,000 रुपए कट जाएगा। क्लियर, ओके सर, क्लियर, चलो आगे। और अगर ज्यादा पैसा हो गया है तो डायरेक्ट मैं अपना अकाउंट नंबर देता हूँ, डायरेक्ट भेज देने का, बाकी मैं देख लेता हूँ। कहाँ था मैं, बॉन्ड हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड हो गया ना, अभी कैपिटल मार्केट का तीसरा बेटा बच गया था, कौन था, डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिराइव किया हुआ, डिराइव का मतलब है किसी चीज से निकाला हुआ। अभी मैंने बोला कि कर्ड है, दही है, दही, दही का, दही कहां से निकाला गया होगा, दूध, मिल्क से, यस, तो वो जो मिल्क है दैट इज अंडरलाइन एसेट, यही होता है आपका डेरिवेटिव मार्केट भी, कि वैसा वैसा हमारा फंड, वैसा इन्वेस्टमेंट जो कहीं ना कहीं से निकाला गया हो उसको हम बोलते हैं हमारा डेरिवेटिव मार्केट। 2 मिनट रुकिएगा, क्या लिख रहा है, डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव इज ए प्रोडक्ट इंक्लूड इन्वॉल्व, लिखे इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन
सेलर एंड बायर, सेलर एंड बायर टू मिनिमाइज, टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ अंडर लाइंग एसेट. डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ अंडरलाइंग एसेट. पहले लिख लीजिए फिर मैं बताता हूं डेरिवेटिव होता क्या है. फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव इज ए प्रोडक्ट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ अंडरलाइंग एसेट. बोलू क्या डेरिवेटिव के पार्ट्स में होंगे क्या? हाँ क्या बोला मैडम? जैसे कि डेब्ट मार्केट के बॉन्ड और डिबेंचर थे डेरिवेटिव के नहीं है क्या? ये सब है ना बेटा उसका. देखिए ना कितने पांच बेटे बताए हैं हम. डेरिवेटिव को पांच पार्ट में तोड़ना है. फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, स्वैप एंड वॉरेंट. दीज आर द फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट. सर अंडरलाइंग के बात क्या है? अंडरलाइंग एसेट, एसेट अभी सुनो, अभी पांचों पार्ट मत लिखो, सिर्फ इतना डिफिनेशन लिखो कि डेरिवेटिव इज ए प्रोडक्ट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ अंडरलाइंग एसेट. बस इतनी बात लिखो. डन सर. देखो अभी ध्यान से सुनिए. अदरवाइज डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है वो पता नहीं चलता है. मैं क्या करता हूं तो मैं डेयरी फार्म चलाता हूं. क्या चलाता हूं मैं? डेयरी फार्म. डेयरी फार्म में क्या होते हैं? गधे रहते हैं ना. गाय का दूध निकालते हैं. यस, तो मैं गाय रखता हूँ, डेयरी फार्म चलाता हूँ, दूध निकालता हूँ, उसका मैं बिजनेस करता हूँ. ये भी तो हो सकता है कि कल हो के बारिश आ जाए या ट्रक ना चले या फिर लॉकडाउन हो जाए. मतलब रिस्क तो इन्वॉल्व है कि कल वो मेरा जो प्रोडक्ट है, क्योंकि वो खराब हो सकता है प्रोडक्ट, वो बिके या ना बिके, तो मेरे पास ये क्या रिस्क है कि नहीं है वो बताओ. है ना, अलग अलग टाइप के रिस्क है. हो सकता है कि जो आज मुझे 50 रुपए लीटर दूध मिल रहा है वो आप बोलेंगे 45 रुपए लीटर देंगे, या मेरा कोई और कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा 40 रुपए लीटर ही मिलेगा, या हो सकता है कल बाढ़ तूफान कुछ भी आ गया तो मेरा ये जो 10 दिनों का प्रोडक्ट है ये मुझे वेस्ट करना पड़ेगा. तो मेरे पास एक रिस्क इन्वॉल्व है. वैसे ही जो आप हैं, आप चलाते हैं क्या, तो आप एक दुकान चलाते हैं, उस दुकान में आप पनीर, उस दुकान में आप दूध, उस दुकान में आप दही रखते हैं. आपके पास भी ये रिस्क इन्वॉल्व है कि साहब अगर मुझे वो जो दे रहा है वो देगा तो ही मेरा चलेगा. तो इस दोनों के पास क्या है, तो रिस्क है. इस रिस्क को इन्वॉल्व, इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वो दही वाला क्या करता है, तो कॉन्टेक्ट कर लेता है. किसके साथ? अरे किसके साथ करेगा? दूध वाले के साथ चलेगा. वो बोलेगा कि भाई साहब तुम्हारे पास भी रिस्क है, मेरे पास भी रिस्क है, हम दोनों मिलके इस रिस्क को क्या करते हैं तो कम कर लेते हैं और रिस्क फ्री हो जाते हैं. तुम्हारा जो दूध निकलेगा और तुम मेरे को ही दोगे, है ना. तो ये जो बायर और सेलर हो गया, ये देखिए, और अंडरलाइंग एसेट, दही का अंडरलाइंग एसेट, पनीर का अंडरलाइंग एसेट क्या था? दूध था.
तो अंडरलाइन एसेट वो दूध हो गया, बाय और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुआ, तो रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो गया। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। कि मैंने पहले ही चाय का बगान वाले से साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई साहब चाय का बगान तो आप लगाओ, लेकिन वो चाय लूंगा तो टाटा कंपनी ही लेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। लगता है ज्यादा हो गया आप लोगों को। नहीं सर, समझ गए सर। मुझे ऐसा लगता है जब मैं ज्यादा बता देता हूँ ना तो आधे लोग आउट हो जाते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही कोशिश करूंगा, इतना ही मैं बता दूं, फिर आज की क्लास को समाप्त करता हूं। तो एक बात जाने कि जब हम दो दो लोग मिलके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कुछ काम करते हैं उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव आपके फिनेंशियल मार्केट में। और ये जो अलग अलग डेरिवेटिव होते हैं ये पांच टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, है ना, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप एंड वारंट। बस आपको इतना ही जानना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेरिवेटिव मार्केट। यही क्वेश्चन से पूछा गया है अभी तक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेरिवेटिव मार्केट। आपको ये पांच नाम जानना है कि ये पांच नाम चैप्टर मार्केट का तो है बट डेरिवेटिव मार्केट का है। ये प्राइमरी चैप्टर मार्केट का नहीं है, सेकेंडरी चैप्टर मार्केट का नहीं है, बॉन्ड का नहीं है, डिवेंचर का नहीं है, ये डेरिवेटिव चैप्टर मार्केट का पार्ट है। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप एंड वारंट। फॉरवर्ड में क्या होता है कि आज ही हम रेट डिसाइड करेंगे कि हम उस दिन क्या आपको देना, हम उस दिन क्या लेने वाले हैं, है ना। डॉलर का ऐसे होता है, समझता नहीं जानते छोड़ दीजिए, आज ही रेट डिसाइड हो जाएगा। ये इसमें क्या होता है तो फ्यूचर में उस दिन का जो रेट होगा वो डिसाइड होगा। जैसे आज आपको सोना परचेज करना है तो आज का जो रेट होगा वही आप लेंगे, है ना। तो वैसे क्या होता है, वैसे ही हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि दो साल के बाद भी अगर हम सोना खरीदेंगे तो आज के ही रेट में हम खरीदेंगे। तो ये दिस इज कॉल्ड बेसिकली ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, एंड दीज आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप एंड वारंट। इतनी बात आपको सिर्फ लिखनी है, फॉरवर्ड में क्या होता है, फ्यूचर में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काम में नहीं है, इवन फॉर अप टू आरबीआई ग्रेड बी। इतनी बात लिखें और आप भी घर जाएं, मैं तो घर में ही हूं। ओके सर, थैंक यू। कितना खुश हो गया, अरे आप भी घर में ही हैं भाई। ये जो डेरिवेटिव्स के आपने टाइप्स बताए ये सर ट्रेडिंग में काम आते हैं ना सारे? अभी ट्रेडिंग का नाम अपने जुबान से मत निकालो कि आधे लोग जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं। तो सिर्फ इतना लिखने का, चुपचाप जाने का, नेक्स्ट क्लास हम यही शुरुआत करेंगे, ये कंटिन्यू करेंगे सर। बिल्कुल ओके सर। आपको देख के हमें काम करना पड़ता है ना, कितने लोग जगे हैं, कितने लोग सो गए, तो सबको लेके मैं चलूंगा ना। सही। डन। यस सर। ओके, यहीं पे हम अपने क्लास को आज रखते हैं। नेक्स्ट क्लास इससे आगे की बात हम आप लोगों के साथ करेंगे। कोई कंफ्यूजन है किसी के पास तो पूछ लो फटाफट दो मिनट के अंदर। सर मैं बोल रहा था कि अभी जून जुलाई से मतलब कि सारे एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो सर मैं अभी चार महीने से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मतलब कि आपने जितना भी पढ़ाया है वो समझ लो एक बार रिवाइज कर चुका हूँ। अभी मैं पूछ रहा था कि आपने जितना भी पढ़ाया है वो उसको वही के अंदर से मतलब चार महीने का आया है कि और भी कुछ कंटेंट आ सकता है उसके आउट का? जैसे चार महीने मैंने जितना पढ़ाया है सिर्फ उतना ही अगर एग्जाम में आता तो संभवतः मैं आज आरबीआई के 22वें मंजिल पर बैठा होता। मैंने आपको सिर्फ अभी तक बैंकिंग टर्म्स पढ़ाए हैं। एग्जाम में सिर्फ बैंकिंग टर्म्स नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में करंट अफेयर्स एंड स्टैटिकल अवेयरनेस भी पूछे जाते हैं। अभी तक हमने स्टैटिकल अवेयरनेस का जो द्वार है वो खुला ही नहीं है, करंट अफेयर्स की बात तो हमने की ही नहीं है। So let me to complete this banking term, then we will go with statistical awareness, जिसमें अभ्यारण कितने हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, कौन से कंट्री की कैपिटल क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी करेंसी क्या है, है ना, सेंसस क्या होते हैं, बजट क्या होती है ना, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब क्या है, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी बात करेंगे।
सिर्फ चार महीने जुड़े हो और भी चार महीने जुड़े रहो, नैया पालने बात मत बोल थोड़ी, ठीक है? ओके, गुड नाइट, गुड नाइट सर।